नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड अधिशासी अधिकारी और राजस्व निरीक्षक परीक्षा के लिए हमारा जो ये सामान्य हिंदी व्याकरण कोर्स चल रहा है, आज इसका नवा लेक्चर होने वाला है। इससे पहले मैं 8 लेक्चर आपको कंप्लीट करा चुका हूँ, आपके 8 टॉपिक मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। वो टॉपिक आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नवे लेक्चर में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं विलोम शब्दों के बारे में। तो विलोम शब्द आपको किस प्रकार से पहचानने हैं, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे आज, ताकि आप एग्जाम में विलोम संबंधी प्रश्न आसानी से कर पाओगे। तो इसके नोट्स दोस्तों आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और उसमें आपके लिए बहुत सारे विलोम शब्द दिए गए हैं जिनकी आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो लिंक आपको मिल जाएगा पीडीएफ का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो शुरुआत करते हैं विलोम शब्द। सबसे पहला प्रश्न जो आपके दिमाग में बनता है वो हम मतलब शुरुआत में मैं आपको बता देता हूँ कि इतने सारे जो विलोम शब्द हैं, क्या इतने सारे पढ़ने हैं और इतने सारे याद कैसे करने हैं। तो आपको बता दें, सभी आपको विलोम शब्द नहीं पढ़ने हैं। कुछ विलोम शब्द होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और एग्जाम की दृष्टि से जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा पॉइंट यह है दोस्तों कि विलोम शब्द आप तभी सही कर पाओगे जब आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर पाओगे। एक ही दिन आप अगर विलोम शब्द पढ़ने लग जाएंगे तो आप कभी भी सभी विलोम शब्द सही नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना है, जैसे आप हिंदी व्याकरण का जो आप पढ़ाई करते होंगे, आपने टाइम ना रखोगा एक फिक्स टाइम कि आपको 1 घंटा या 2 घंटा हिंदी व्याकरण को देना है, तो उसमें आप ऐसे कीजिए 10 या 20 विलोम शब्द डेली पढ़िए और अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए जो पिछले एग्जाम में आए हुए विलोम शब्द हैं। तो यहाँ पे हमने जितने भी विलोम शब्द आपके लिए लाए हैं वीडियो में, तो लगभग 70 या 80 विलोम शब्दों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन ई बुक में आपको दोस्तों 200+ विलोम शब्द मिल जाएंगे जो कि काफी महत्वपूर्ण है और बार बार एग्जाम में वहां से प्रश्न बनते हैं। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको विलोम शब्द याद कैसे करने हैं। तो सबसे बड़ा जो सिंपल मेथड है वो है आपको आपको उनका अर्थ ज्ञात होना चाहिए। अगर आप दोस्तों शब्दों का अर्थ जानते हैं तो विलोम शब्द आप बिना देखे सही कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ विलोम शब्द दोस्तों मैं आपके लिए लाया हूं जिनके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से विलोम शब्दों को पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले जैसे अर्वाचीन। अर्वाचीन का अर्थ क्या होता है, तो अगर आपको अर्वाचीन का अर्थ मालूम है तो आप इसका विलोम शब्द ज्ञात कर सकते हैं। अर्वाचीन का जो अर्थ होता है वो होता है आधुनिक, आधुनिक यानी नया, और आधुनिक यानी नया का जो विलोम यानी उल्टा हो गया वो क्या हो गया प्राचीन, प्राचीन यानी पुराना और अर्वाचीन हो गया नया। तो इस प्रकार से अर्थ दोस्तों आपको प्रत्येक शब्द का मालूम होना चाहिए कि वो शब्द कहना क्या चाह रहा है, उस शब्द का एक्चुअल में अर्थ क्या निकल रहा है। दूसरा यहाँ पे अनिवार्य, अनिवार्य का जो विलोम शब्द होता है वो होता है वैकल्पिक, ये तो खैर सिंपल शब्द है ये आप सभी जानते होंगे। तीसरा है आविर्भाव, और इसका जो विलोम शब्द है वो है तिरोभाव। आविर्भाव का जो अर्थ होता है प्रकट होना, प्रकट होना, तो इसका उल्टा प्रकट होना का अपोजिट यानी विलोम क्या हो गया वो होता है अदृश्य होना, और अदृश्य होने को कहा जाता है तिरोभाव। तो तिरोभाव का जो अर्थ है दोस्तों वो है अदृश्य होना, अदृश्य होना। आविर्भाव का मतलब है प्रकट होना और तिरोभाव का मतलब है अदृश्य होना, तो आविर्भाव का विलोम शब्द क्या हो गया है तिरोभाव हो गया है। उसके बाद यहां पे अवनि, अवनि का जो विलोम शब्द है वो है अंबर। देखो अंबर का अर्थ होता है आकाश, आकाश यानी नभ, और आकाश का विलोम क्या हो गया पृथ्वी, यानी अवनि का अर्थ क्या होगा, अवनि का अर्थ होता है पृथ्वी। तो अवनि का विलोम अंबर या अंबर का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों अवनि हो जाएगा। उसके बाद यहां पे अनुरूप, अनुरूप का विलोम होता है प्रतिरूप, ये भी एक सिंपल शब्द है, ये तो कई बार 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 एग्जाम में बनता है और ये आप सभी जानते होंगे। अनुरूप का जो अर्थ होता है वो होता है समान रूप वाला, ठीक है, अनुरूप वाला जो आपके अनुसार है, समान रूप वाला आपके जैसा है उसी के जैसा, तो समान रूप वाला इसे कहा जाता है अनुरूप, और इसका अपोजिट यानी विलोम शब्द हो चुका है प्रतिरूप, यानी उसके जैसा नहीं, अनुरूप यानी उसके समान, उसके समान रूप वाला, और प्रतिरूप यानी जो उसके समान रूप वाला नहीं है, अनुरूप का विलोम हो गया प्रतिरूप। उसके बाद यहां पे आगे है जैसे अनुरक्त,
अनुरक्त का विलोम क्या है? विरक्त है। अब देखो अनुरक्त का जो अर्थ होता है वो होता है वफादार। अनुरक्त का अर्थ क्या होता है? वफादार होता है। और विरक्त का जो अर्थ होता है वो होता है आशा रहित, आशा रहित या आसक्ति रहित, मतलब जिससे हमें कोई आशा नहीं है। अनुरक्त वफादार कौन होता है? जिससे हमें बहुत आशाएं होती है कि ये हमारा बिल्कुल काम करेगा, जैसे हम बोलोगे वैसे ये करेगा। लेकिन इसका ठीक उल्टा क्या हो गया? जो आशा रहित है, जिससे हम कोई भी आशा नहीं रख सकते हैं, कोई भी आसक्ति उससे नहीं रख सकते हैं, तो इसका अर्थ होता है विरक्त, मतलब इसको बोल जाते हैं विरक्त। अनुरक्त और विरक्त ये एक दूसरे के क्या हो गए? विलोम शब्द हो गए हैं। तो इस प्रकार दोस्तों एक तो आपको अर्थ मालूम होना चाहिए शब्दों का, साथ साथ देखो इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक ऐसी नहीं है विलोम शब्दों की। विलोम शब्द इतने सारे हैं और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, प्रत्येक दिन आपको 10 या 20 अगर विलोम शब्द आप डेली स्टडी करते हो, तो बड़ी आसानी से आप इन सभी विलोम शब्दों के बारे में जान पाएंगे और जितने भी विलोम शब्द होते हैं अधिकांशतः आप उनको सही कर पाओगे। तो बार बार प्रैक्टिस दोस्तों। कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं हिंदी के, जैसे विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गए, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, इनकी जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। तो यहाँ पे भी आपको मैं ये टॉपिक कवर करा रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको इनकी स्टडी करनी है, ये बड़ी आसान तरीके से आपको कैसे ये पढ़ने हैं और इनकी प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है। साथ ही साथ इसके डिटेल्स नोट्स आपको हमारी ई बुक में मिल जाएंगे। उसके बाद अनुग्रह का जो विलोम होता है वो होता है विग्रह। आगे शब्द, ये सभी शब्द महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो बार बार एग्जाम में प्रश्न यहाँ से, इन शब्दों से ये शब्द बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपके लिए ये शब्द वीडियो में लाए गए हैं। उसके बाद है अर्जन। अर्जन का मतलब होता है अर्जित करना। अर्जित करना आपने सुना होगा, आपने कुछ रिलेट करने शब्दों को, तो अर्जित का मतलब होता है कुछ पाना या कुछ संग्रहण करना, यानी जैसे कमाना हो गया। और अर्जन का विलोम क्या हो गया? व्ययन, यानी खर्च करना, व्यय करना। अर्जन करना यानी जमा करना या संग्रहित करना, और व्यय यानी जैसे खर्च करना। तो अर्जन का विलोम क्या हो गया? व्ययन हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट शब्द यहां पे वो है अधम, और अधम का जो विलोम है वो होता है उद्धम। देखो तो अधम का अर्थ क्या होता है? अधम का अर्थ होता है नीच। आपने सुना होगा नीच मनुष्य या अधम मनुष्य, अधम शरीरा, अधम मनुष्य यानी नीच मनुष्य। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? उत्तम। तो अधम का विलोम क्या होता है दोस्तों? उत्तम होता है। नेक्स्ट अभिज्ञा, और अभिज्ञा का जो विलोम होता है वो होता है अनभिज्ञा। उसके बाद आगे बढ़ता है आलोक। आलोक का अर्थ होता है प्रकाश। विलोम शब्दों में जब आप पढ़ोगे तो इसके बारे में आपको डिटेल्स में बताया जाएगा। प्रकाश का विलोम होता है आलोक। तो आलोक का अर्थ क्या है? प्रकाश हुआ। और तिमिर का अर्थ जो होता है वो होता है अंधकार। तो यहां पे इसलिए आलोक का विलोम क्या हो गया? तिमिर हो गया। उसके बाद है उक्त। उक्त का विलोम होता है अनुक्त। आपने कई बार जो प्रश्न बनता है एग्जाम में उसमें लिखा रहता है कि उक्त कथन में यह दिया गया है, उक्त का मतलब हुआ है कहा हुआ, यानी उक्त कथन में, कहे हुए कथन में। तो उक्त का मतलब होता है कहा हुआ, और अनुक्त का मतलब होता है अकथित। तो उक्त का विलोम क्या हो गया दोस्तों? अनुक्त हो गया। उसके बाद उपकार, तो उपकार का हो गया यहाँ पे अपकार विलोम, ये कई बार एग्जाम में बनता है। उत्तम का हो गया अधम। अधम अभी मैंने आपको ऊपर बताया, अधम शरीर यानी नीच, नीच शरीर, नीच मनुष्य, अधम मनुष्य। उत्तम का जो विलोम शब्द हो गया वो हो गया यहाँ पे अधम। उसके बाद है ऐच्छिक। ऐच्छिक का जो विलोम होता है वो होता है अनैच्छिक। ऐच्छिक यानी इच्छा से जो किया गया है, स्वयं की इच्छा से किया जाने वाला कार्य, स्वेच्छा से किया जाने वाला, तो उसे कहा जाता है ऐच्छिक। और उसका जो यहाँ पे विलोम हो गया वो हो गया अनैच्छिक। नेक्स्ट है ऐसा, और ऐसा का जो अर्थ होता है वो होता है कुछ कामना, कुछ अभिलाषा या कुछ याचना करना, यानी कुछ पाने की जो अभिलाषा होती है उसे कहा जाता है ऐसा। और ऐसा का जो यहाँ पे विलोम हो गया वो हो गया निष्काम। निष्काम मतलब जिसका, जिसके मन में कोई काम की भावना नहीं है, कोई लालसा नहीं है, कोई अभिलाषा नहीं है। जो नी, जहां पे नी उपसर्ग जुड़ जाता है वहां पे क्या हो जाता है? वो निगेटिविटी यानी नकारात्मक आ जाता है। या कई बार वहां पे आ जुड़ जाता है या ना जुड़ जाता है। तो इन सब, इन
अक्षरों से क्या हो जाता है कि वहां पे निगेटिविटी यानी नकारात्मकता का भाव उत्पन्न हो जाता है। जहां पर ऐसन है, ऐसन का अर्थ क्या है, कोई कामना या याचना। और निष्काम, देखो काम का मतलब तो आप सभी जानते हैं, कोई काम या कोई उसकी उसके अंदर काम काम की अभिलाषा या कोई इच्छा उसकी। लेकिन यहां पे नी इसमें जुड़ गया यानी निष्काम, उसके अंदर कोई भी काम की क्या नहीं है, कामना नहीं है या कोई वासना नहीं है, या वो वासना रहित है, काम रहित है जो, तो उसे कहा जाता है निष्काम। तो ऐसन का विलोम क्या हो गया, निष्काम हो गया यहाँ पे। उसके बाद है ऐश्वर्य, और इसका विलोम हो गया अनैश्वर्य। नेक्स्ट है कर्कश। कर्कश का जो अर्थ होता है कठोर, और कठोर का विलोम क्या होता है, मधुर होता है, तो इसलिए कर्कश का जो विलोम हो गया वो हो गया मधुर। उसके बाद है कृतज्ञ। देखो कृतज्ञ और कृतघ्न ये दोनों शब्द क्या है कि इसमें दोनों शब्द एक जैसे लग रहे हैं लेकिन इनके अर्थ में बड़ा ही अंतर है, और इसलिए ये एक दूसरे के क्या हो गए दोस्तों, विलोम हो गए, एक दूसरे के ये उल्टे हो गए। कृतज्ञ का मतलब हो गया जो उपकार मानने वाला है यानी एहसानमंद, जैसे हमने किसी पर उपकार कर लिया और वो उस उपकार को मानता है कि हाँ यार इस व्यक्ति ने हम पर ये उपकार किया है, वो एहसान मानता है, तो उसे कहा जाता है वो कृतज्ञ व्यक्ति है। लेकिन कृतघ्न, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उनका उपकार करो, उनकी मदद करो, लेकिन बाद में वो आंखें दिखाने लग जाते हैं। मतलब ये है कि एक तो उनका काम भी करो, उनकी मदद भी करो, लेकिन फिर भी वो आंखें दिखाने लग जाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है कृतघ्न, यानी जो उपकार को यानी किए गए उपकार को न मानने वाला। तो यहाँ पे लिख देता हूं आपको, आप नोट कर सकते हैं, किए गए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न। और जो उपकार को मानता है, उपकार को मानने वाला, उसे कहा जाता है कृतज्ञ। तो अब आप कृतज्ञ का विलोम होता है कृतघ्न, ये आप कभी नहीं बोल सकते क्योंकि इन दोनों शब्दों का अर्थ आपको मालूम हो चुका है। उसके बाद है कपटी, और कपटी का यहाँ पे जो विलोम होता है निष्कपट। कपटी जो कपट करता है और जिसके मन में कोई भी कपट नहीं है वो निष्कपट, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था जब नि शब्द आ गया तो वहां पे निषेधात्मक यानी निगेटिविटी वहां पे आ चुकी है, तो वो कपट नहीं करता यानी निष्कपट। उसके आगे है कपूत या कुपुत्र और सपुत्र, तो इसीलिए कपूत और सपूत। कपूत मतलब बुरा पुत्र, और सपूत यानी जो अच्छा पुत्र है, जो लायक बेटा होता है उसे सपूत कहा जाता है, और जो नालायक बेटा होता है उसे कुपुत्र या कपूत कहा जाता है। तो कपूत का विलोम शब्द हो गया सपूत। उसके बाद कटु। कटु का जो विलोम होता है वो होता है मधु, जैसे कटुवचन और मधुवचन। कटुवचन बोलने वाला यानी वो बुरा बोलता है, कटुवचन बोलता है, और मधु जो मीठा बोलता है। कई बार क्या होता है जो कटुवचन बोलता है वो व्यक्ति सत्य होता है, आपने सुना होगा कि सत्य व्यक्ति हमेशा कटु, जो सत्य हमेशा कड़वा लगता है, तो सत्य तो क्या होता है सीधा स्पष्ट होता है, तो वो वचन कई बार क्या लगते हैं कटु लगते हैं, लेकिन बाद में जब हमें जानकारी मिलती है, जब हमें ज्ञात होता है कि हाँ वो व्यक्ति सही कह रहा था, तो बाद में उसकी बातें सही लगती है। लेकिन कई व्यक्ति क्या होते हैं जो चापलूस व्यक्ति होते हैं, वो मधुर बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, लेकिन बाद में उन्हीं से हम धोखा खाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों से आपको भी सावधान रहना चाहिए। तो यहाँ पे जब आप हिंदी पढ़ रहे हो तो प्रत्येक शब्द का आपको अर्थ मालूम होना चाहिए, और प्रत्येक शब्द को अर्थ बताना ये आपको हमारी जिम्मेदारी है। तो इसलिए आपको प्रत्येक शब्द आपको यहाँ पे अच्छे से आपको मैंने सिखाना है, और हिंदी आपकी ऐसी बनानी है कि बिल्कुल इसके बाद आपको हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। देखो दोस्तों, हिंदी आपको इसलिए नहीं पढ़नी चाहिए कि आपका सिर्फ एग्जाम है, हिंदी की जानकारी आपको होनी ही चाहिए, आपकी मातृभाषा भी है और एग्जाम के व्यू पॉइंट तो इम्पोर्टेंट है ही। तो इसलिए हिंदी को अगर आप इस प्रकार से पढ़ते हो तो आप हिंदी में बिल्कुल अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हो। उसके बाद है खेद, और खेद का जो विलोम होता है वो होता है प्रसन्नता। खेद का विलोम क्या होता है दोस्तों, प्रसन्नता होता है। खाद्य का विलोम होता है अखाद्य। खाद्य यानी जो खाया जाने वाला है, और अखाद्य जो न खाया जाने वाला है, तो खाद्य का विलोम हो गया अखाद्य। उसके बाद गुप्त का विलोम हो गया प्रकट होना, गुप्त जो छुपा हुआ है और प्रकट जो दिख रहा है, तो गुप्त का विलोम हो गया प्रकट। गुरु और लघु, गुरु का मतलब होता है यहाँ पे बड़ा है, गुरु का मतलब यहाँ पे क्या है, गुरु का मतलब बड़ा है, और लघु का मतलब यहाँ पे क्या है, छोटा है। गुरु का विलोम क्या हो गया, लघु हो गया। उसके बाद है करुण, करुण का विलोम हो गया निष्ठुर।
करुण जिस कई व्यक्ति होते हैं जिनके मन के अंदर क्या होती है, करुणा होती है, और कई ऐसे होते हैं जो बिल्कुल निष्ठुर होते हैं, तो करुण का विलोम क्या हो गया, निष्ठुर हो गया। उसके बाद चिरंतन, देखो चिरंतन का अर्थ क्या होता है, चिरंतन का अर्थ तो होता है देखो चिरंजीव, आपने आशीर्वाद तो सुना होगा ना, चिरंजीव, चिरंजीव मतलब सदा वो उसको लंबी उम्र के लिए आशीर्वाद दिया जाता है चिरंजीव। तो चिरंतन ये भी क्या होता है कि कई बहुत दिनों से बना हुआ है, यानी पुरातन, जो काफी समय से चला हुआ आ रहा है। और नश्वर का मतलब होता है जो नष्ट होने वाला है, जैसे हमारा शरीर क्या है, नश्वर है, नष्ट होने वाला हमारा शरीर क्या है, एक नश्वर है, इसलिए इसकी वाल क्या नहीं करनी चाहिए, इसकी ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, जो भी होगा देखा जाएगा, अपने कर्म पे ध्यान दो। तो नश्वर यानी एक दिन शरीर को तो नष्ट होना ही है, लेकिन इसका जो विलोम है वो है चिरंतन, यानी जो कभी नष्ट नहीं हो रहा है, जो वर्षों से या बहुत दिनों से बना हुआ चला आ रहा है, जो बिल्कुल क्या है, पुरातन है और पुरातन से चला हुआ आ रहा है, उसे कहा जाता है चिरंतन। और चिरंतन का विलोम क्या हो गया, नश्वर। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए आपको विशेष तौर पर इसको नोट करना है। उसके बाद चपल, चपल जैसे चंचल होते हैं कई, तो नहीं कहा जाता चपल व्यक्ति, या जो अस्थिर होते हैं जिनका माइंड क्या होता है, अस्थिर होता है, जो चंचल होते हैं, और कई व्यक्ति होते हैं गंभीर, तो चपल का विलोम क्या हो गया, गंभीर, जो हर कोई बात विशेष तरीके से सोचते हैं, हर एक बात वो गंभीर तरीके से लेंगे, हर काम वो गंभीर तरीके से लेंगे, और उनको उसको गंभीर तरीके से क्या करेंगे, सोचेंगे। और जो चपल या चंचल व्यक्ति होते हैं, उन्होंने सुन लिया, उनको कुछ समय बाद उनको पता ही नहीं कि उन्होंने किया क्या, मतलब उनका माइंड लगातार डाइवर्ट होता रहता है, भटकता रहता है, जो चंचल व्यक्ति होते हैं, और कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, गंभीर। तो चपल का विलोम क्या हो गया दोस्तों, गंभीर हो गया। चिरंतन, नश्वर, ये ऊपर मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए दोस्तों, हिंदी व्याकरण संपूर्ण कोर्स के जो डिटेल्स नोट्स विद MCQ की PDF डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहां से आप उस ईबुक को डाउनलोड कर सकते हैं, आपके लिए काफी हेल्पफुल है ये ईबुक, और इसमें आपको बहुत सारे MCQ दिए गए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आपको आप डिस्क्रिप्शन में नहीं जा सकते हैं, तो यहाँ पे jardhariclasses.in आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, और हमारी वेबसाइट खुल जाएगी, इसमें जर्धारी क्लासेस के संपूर्ण हिंदी के नोट्स आपको मिल जाएंगे PDF के माध्यम से, तो PDF को आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और कुछ अन्य विलोम शब्द जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। यहां पे है नेक्स्ट है जड़, और इसका विलोम होता है चेतन। अब यहां पे जड़ का मतलब वो वाला जड़ नहीं है जो आप समझते हो, पेड़ वाली यहां पे जड़ नहीं है, जड़ बुद्धि मतलब मूर्ख व्यक्ति को कहा जाता है, उसकी जड़ बुद्धि है। जड़ देखो, जड़ पृथ्वी के नीचे धसी हुई है, यानी उसकी नीचे की बुद्धि कम बुद्धि है, तो उसे कहा जाता है जड़। और चेतन जिसके अंदर चेतना है, ठीक है, तो जड़ का विलोम यहाँ पे क्या हो गया, चेतन हो गया। तिमिर का विलोम हो गया प्रकाश, तिमिर का मतलब अंधकार होता है, प्रकाश का मतलब उजाला होता है, या इसको आलोक भी कहा जाता है, तो तिमिर का विलोम हो गया प्रकाश। उसके बाद तामसिक, और इसका विलोम है सात्विक। तामसिक भोजन के बारे में आपने जरूर सुना होगा, और तामसिक गुण भी होते हैं, और एक होता है सात्विक भोजन, तो तामसिक का विलोम हो गया दोस्तों सात्विक। हमारी संस्कृति में भी यही कहा गया कि आपको सात्विक भोजन करना चाहिए, इससे मन क्या होता है, शांत रहता है। उसके बाद है तीव्र, तो तीव्र का जो विलोम होता है वो मंद होता है। नैसर्गिक का विलोम होता है कृत्रिम। उसका दृष्ट, तो एक दृष्ट बालक होते हैं जो उदंड बालक रहते हैं, और एक विनम्र, तो दृष्ट का जो विलोम होता है वो विनम्र रहता है। निषिद्ध का विलोम होता है विहित। और उसके बाद यहाँ पे कुछ अन्य विलोम जैसे न्यून, तो न्यून का जो विलोम होता है दोस्तों, न्यून और बहुत कम, ठीक है, न्यून, तो न्यून का जो विलोम रहता है वो होता है अधिक। न्यून कोण अधिक कोण ये आपने मैथ में जरूर सुने होंगे, तो एक दूसरे के क्या है, विलोम होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। प्राचीन का हो गया अर्वाचीन, और प्रधान, प्रधान का अर्थ यहाँ पे देखो, प्रधान आपने गांव में प्रधान के बारे में आपने जरूर सुना होगा, तो क्या होता है, मुखिया होता है या मुखिया, तो एक गुण भी होता है प्रधान गुण, जो मुख्य गुण है, और गौण यानी जो छुपा हुआ, जो बहुत कम दिखता है, तो प्रधान यानी मुख्य है वो, और गौण जो बहुत कम दिखता है, तो प्रधान का विलोम क्या हो गया, गौण हो गया यहाँ पे। यानी जैसे
दो व्यक्ति हैं, उनके अगर हम वैल्यू की बात करें तो एक की वैल्यू क्या है, मुख्य है, यानी उसकी प्रधान वैल्यू वो प्रधान व्यक्ति है, और एक है गौण व्यक्ति यानी जिसे कोई भी वैल्यू नहीं है। तो इस प्रकार से आप इसका अर्थ समझ सकते हैं। उसके बाद आगे जैसे पुरस्कार, तो पुरस्कार का विलोम क्या हो गया, तिरस्कार। पुरस्कार यानी जैसे कोई पुरस्कार किसी को मिलता है तो लेता है, ग्रहण करता है। तिरस्कार यानी लौटा देना। पठित, पठित का हो गया यहाँ पे अपठित। प्रसारण का हो गया संकोचन करना, प्रसारण यानी जो फैलता है, संकोचन जो संकुचित हो जाता है, तो प्रसारण का विलोम हो गया संकोचन। पतन का हो गया उत्थान, ये तो सिंपल है। बर्बर का हो गया दोस्तों सभ्या, सभ्य समाज, और जिस समाज का विकास नहीं होता है वो उससे कहा जाता है बर्बर, या जैसे किसी कम्युनिटी का विकास नहीं होता है तो उसकी स्थिति कैसी है, बर्बर स्थिति उसकी। लेकिन अगर किसी की विकास अच्छे तरीके से हो रहा है तो वह क्या है, सभ्य समाज है, सभ्य कम्युनिटी है। तो इस प्रकार से हम उनका उच्चारण करते हैं और इस प्रकार से इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वाक्य में। तो जितना ज्यादा आप प्रयोग करोगे वाक्य में उतना कहीं ना कहीं आपके लिए हिंदी पढ़ना आसान हो जाएगा। उसके बाद बैर, तो बैर का क्या हो जाता है, प्रीति हो जाता है। बैर के नहीं किससे जैसे दुश्मनी है तो उसे कहा जाता है बैर, और प्रीति यानी जिससे प्रेम है। बहिरंग का हो गया अतरंग, यश का विलोम हो गया अपयश, और यथार्थ का जो विलोम हो गया वो गया कल्पित। उसके बाद विधि, देखो विधि कानून काम भी की क्या है, एक व्यवस्था है, और विधि को व्यवस्था ही कहा जाता है, एक मेथड कहा जाता है। तो विधि क्या है, एक व्यवस्था होती है, एक प्रणाली होती है, तो उसे कहा जाता है विधि। किस विधि से तुमने ये कार्य किया है, यानी किस व्यवस्था से तुमने ये कार्य किया है, तो विधि क्या होती है, व्यवस्था। और निषेध होता है यानी रोक लगाना। देखो हमने एक व्यवस्था बना रखी है लेकिन व्यवस्था को उल्टा क्या हो जाएगा, कोई व्यवस्था नहीं यानी रोक लगा रखी है, बाधा। तो विधि का जो यहाँ पे विलोम हो गया वो हो गया निषेध, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, विधि का विलोम निषेध। उसके बाद दोस्तों विस्तृत, विस्तृत का विलोम हो गया संक्षिप्त। श्री गणेश, अब देखो ये भी कई बार एग्जाम में बनता है, श्री गणेश। श्री गणेश क्या होता है कि जैसे किसी कार्य को प्रारंभ जब हम करते हैं विशेषकर हिंदू संस्कृति में, तो उसमें क्या किया जाता है, गणेश जी की पूजा की जाती है। तो यानी किसी कार्य को प्रारंभ करना, प्रारंभ करना, और जब किसी कार्य का अंत होता है तो उसे कहा जाता है इति। तो श्री गणेश का विलोम हो गया इति। उसके बाद सूचि का हो गया असूचि, सूचि यानी शुद्ध स्वच्छ, और असूचि हो गया अपवित्र। सगुण का हो गया निर्गुण, सहज का हो गया दुष्कर। जिसको हास, जो व्यक्ति हंस रहा है, हास उसके जीवन में खुशी है, और एक है रुदन करता हुआ व्यक्ति, रोने वाला व्यक्ति, तो हास का विलोम हो गया रुदन। हर्ष का हो गया विषाद, और समष्टि का हो गया यहाँ पे व्यष्टि। उसके बाद क्षणिक है, क्षणिक का क्या होता है, क्षणिक यानी जो अस्थाई रूप से, क्षण के लिए, और इसका विलोम हो गया शाश्वत यानी जो सदा के लिए बना रहने वाला। जैसे हम आपके लिए हमेशा शाश्वत रहेंगे, हम आपके साथ क्या है, शाश्वत रूप से, यानी हम आपके साथ बने हुए हैं पिछले 2 सालों से। और कुछ जैसे क्षणिक, कुछ आपके पास आए, उसने मतलब 1 साल या मतलब 1 महीने आपको पढ़ाया, और जैसे आप ट्यूशन जाते हो कई बार, तो यानी वे साल के हिसाब से तो वो क्षणिक हो गया, लेकिन जरदारी क्लासेस आपके साथ शाश्वत बना हुआ है पिछले 2 सालों से, यानी लगातार आपके साथ जो सदा रहने वाला है, और क्षणिक का यानी कुछ क्षण के लिए, तो क्षणिक का विलोम हो गया शाश्वत। सुमति का हो गया सुमति यानी जो अच्छी बुद्धि वाला है, और कुमति यानी जिसको बुरी बुद्धि लग गई है। तो दोस्तों लगभग आज हमने बहुत सारे यहाँ पे विलोम शब्दों के बारे में चर्चा की, और ये विलोम शब्द सिलेक्टिव विलोम शब्द थे जो बार बार जहां से प्रश्न बनते हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछ जाते हैं, और इसी प्रकार के 200 प्लस विलोम शब्द आपको हमारी ई बुक में मिल जाएंगे, और वो ई बुक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और उस ई बुक में आपको सिर्फ यही लेक्चर नहीं बल्कि जितने भी आने वाले लेक्चर हैं हिंदी के, और जितने लेक्चर हो चुके हैं, कंप्लीट नोट्स उसमें विद एमसीक्यू मिल जाएंगे। तो काफी हेल्पफुल होगी दोस्तों आपको, आपके लिए ई बुक, इसलिए आपको यहाँ पे बार बार बताया जा रहा है। तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जरूर उसको एक बार चेक करें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया, और लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।